एक बात जान लीजिए, जब तक शास्त्र के अनुसार आप अपना जीवन यापन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपनी जवानी के मद में, धन के मद में, रूप के मद में, अपनी बुद्धि के मद में शास्त्र की अवहेलना करते हैं। पूर्व जन्म में जो सुकृत किए थे उसका फल आज मिल रहा है आपको। बैंक में एक आदमी ने पैसा जमा किया अपने लड़के के नाम से, अब लड़के को जब पैसा मिलने लगा तो बोला, अरे वाह, अब तो हमारे पास खूब पैसा है, छोड़ो ये सब दुनियादारी, आराम से कमाओ, आराम से निकालो, खाओ। खाते खाते एक दिन आया कि पैसा खत्म, अब भिखारी की तरह घूमने लगा। वही स्थिति हम लोगों की होनी है एक दिन, ये ध्यान गांठ मान लीजिए। पूर्व जन्म का जो मिला वो आज खा रहे हैं, लेकिन अगले के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचना, अगले के लिए हम क्या करने, वैकुंठ तो कोई नहीं जाना चाहता। ये सब वैकुंठ की बात लंबी लंबी करते हैं। हाँ भगवान, भगवान किसी का मन नहीं होता भगवान से मिलने का, मिलने का मन हो तो भगवान कब के मिल गए होते। संसार में अगर सबसे सुलभ कोई चीज है मिलने के लिए तो भगवान ही है, लेकिन उनको कोई चाहता ही नहीं है। जो दुर्लभ संसार है उसके पीछे भागते हैं पागल की तरह, और वो मिलता है नहीं कभी। किसका संसार हुआ चलो बताओ, इतने लोग आए संसार में, अगर संसार किसी का होता तो उसके मरने के साथ संसार खत्म हो गया होता। संसार किसी का नहीं है, भगवान जो सबसे सुलभ हैं। एक बार प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो खंभे में नहीं है, मैं कहता हूं भगवान खंभे में भी हैं। भगवान खंभे में से प्रकट हो गए एक बात को सत्य करने के लिए। हम लोग, आप लोग कितना विश्वास रखते हैं ये भी हृदय में कभी टटोलना चाहिए, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, इतनी देर सोचे कौन बैठ करके, ऊपर ऊपर की बात करते हैं। हाँ एक संत महात्मा दोहा कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें। हाँ तो जब कष्ट आता है तो जरूर भगवान याद आ जाते हैं, किसी तरह दूर हो जाए, और वो भी उतना ही जितनी देर काम नहीं बनता, उसके बाद तो भगवान को भी ले जाके गंगा जी में बहाए आते हैं। जीवन में भगवान ने दिया ही दिया है, 24 घंटे आपको भगवान ने दिए, उनमें से यदि आधा घंटा भी आप न दे सके, 23 घंटा 30 मिनट तब भी आपका, ज्यादा समय तो आपका ही है, 30 मिनट भी नहीं दे सके तो फिर क्या प्राप्त होगा, क्या आप कृतज्ञता भगवान की मानते हैं। लोगों ने भगवान को पाने के लिए घर छोड़ दिया, नाते रिश्ते छोड़ दिए, मीराबाई परिवार छोड़ के पागलों की तरह वृंदावन में घूमती थी, और यहाँ पर गंदा संदा भोजन नहीं छूट पा रहा, प्याज लहसुन नहीं छूट पा रही, लड़ने को खड़े हो जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। अरे दिक्कत ये, शास्त्र मना कर रहा है, सीधी सी बात है, आपको रोज कहा धर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, भगवान भी प्रमाण नहीं है, शास्त्र जो कहता है वह प्रमाण है। अगर भगवान प्रमाण है तो जब शास्त्र के अनुकूल बोलेंगे तब, अगर शास्त्र से विपरीत भगवान भी बोले, बुद्ध कौन थे, बुद्ध तो भगवान ही है, आपने पहले दूसरे दिन की कथा में सुना, बुद्धावतार भी है, कीकटेशु भविष्यति कह रहे हैं, उन बुद्ध के मत को कितने सनातनी मानते हैं, आजकल तो खिचड़ी बन गई, नहीं तो बुद्ध के मत को कौन आदर देता है। भगवान है तब पर भी वेद के विरुद्ध बोलने के कारण उनके मत का आचार्यों ने खंडन किया। हमारे यहां कहते हैं, बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय श्री वैष्णवा मुनिधि पूर्ण निशाकराय अद्वैतवादि कर यूथ मृगाधिपाय तस्मै नमोस्तु सततम यति पुंगवाय। श्री रामानुज स्वामी जी की स्तुति करते हैं, बौद्धों के अंधकार को दूर करने वाले। तो भगवान बुद्ध के रूप में आए पर वैदिक मार्ग के विपरीत चले, वैदिक मार्ग का उन्होंने खंडन किया, आचार्यों ने उनका ही खंडन कर दिया। भगवान बनो तो अपने घर में बने रहो, अगर वेद के अनुकूल बोलोगे तभी भगवान मानेंगे। गीता को इतना क्यों मान्यता दी गई, प्रस्थानत्रयी, वेदांत में प्रस्थानत्रयी का बड़ा महात्म्य है,
पहला है ब्रह्मसूत्र, दूसरा है उपनिषद और तीसरा है भगवत गीता। तो भगवत गीता को इतनी मान्यता क्यों दी गई? किन्हीं भी आचार्यों ने कुछ भी लिखा, उपनिषद पर लिखे नहीं लिखे, ब्रह्मसूत्र पर कहें ना कहें कुछ, गीता पर सबने कहा, सबने गीता को पकड़ा। आपके पंढरपुर में ही श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, माउली बोलते हैं ना माउली, उन्होंने भी ज्ञानेश्वरी। तो गीता का इसलिए महात्म्य है क्योंकि सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये गीता जो है उन उपनिषदों का सार है, ये वेद का सार होने के कारण इतना महत्वपूर्ण हुआ। तो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, जो वेद को माने, स्मृतियों को माने, वही हिंदू कहलाने का अधिकारी है। पहले भी कहा, आज फिर बोल रहा हूँ, ये गलत फहमी हृदय से निकाल दीजिए कि वैष्णव होंगे तब प्याज छोड़ना है, तब लहसुन छोड़नी है, तब गाजर नहीं खानी, तब सफ़ेद बैगन नहीं खाना। ना ना ना, अगर हिंदू सनातन धर्मावलंबी आप हैं, यदि आप अपने को वैदिक मानते हैं, यदि अपने को आस्तिक मानते हैं, तो इसको नहीं खाना चाहिए। लोगों ने तो अपने, आप लोग दाइमा समाज के हो, है ना, दाइमा समाज में आपके प्राचीनतम ऋषि कौन हुए, जिनका कल हम लोगों ने प्रसंग सुना, महाराज दधीची। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया लोक हित के लिए, भगवान की आज्ञा मान के, और हमारे उनके परिवार वाले गंदा संदा खाना नहीं छोड़ पा रहे। ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे क्या नालायक पैदा करे हमारे घर वाले। इसलिए अपने धर्म में एकदम निश्चल रहना चाहिए। ये जीव के स्वाद में क्या क्या खाते हैं, फिर क्या क्या स्थिति होती है, आपको इसका शास्त्रीय आधार मैंने पहले भी बताया। तीन गुण हैं, सत्व गुण बढ़ेगा तो ऊर्ध्वलोक मिलेगा, रजोगुण रहेगा तो मध्यम रहोगे, और तमोगुण होगा तो अधोलोकों में जाओगे। यह जो प्याज लहसुन आदि जूठा कूठा खाना, तीन घंटे रखा हुआ खाना, ये सब तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। वैसे ही इतना तमोगुण बढ़ा है कि बड़े बड़े महात्मा समझा के जाएं, लेकिन एक ऐसे होता है, कुछ किसी की पूंछ होती है, ऐसे बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ ऐसी रहती है टेढ़ी, कितना भी करो 100 साल बोतल में डाल के सीधी कर दो, खोलोगे तो फिर टेढ़ी निकलेगी। कोई कितना ही समझाओ, तुम तो 7 दिन आए हो, आज 5 दिन है, 2 दिन और झेल लेंगे। तुमसे पहले भी बहुत आके गए, प्याज प्याज लहसुन गंदा खाना भजन करना सब सिखा के गए, उनकी नहीं मानी तुम्हारी कहाँ से मान लेंगे। खुश होते हैं आपस में, आप मानो चाहे नहीं मानो, इससे मेरे पर कोई असर नहीं होना। आप करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आप नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी आप भोगोगे। उससे मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको उत्तम लोक मिलेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी प्रपत्ति बढ़ेगी, तो उसमें मुझे कोई बैंक में आकर के कुछ बढ़ेगा नहीं, मेरे पुण्य का बैंक नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपका कल्याण होगा। यह व्यासपीठ शास्त्रीय वचनों को बतलाने के लिए है, यह व्यासपीठ लोक को उपदेश करने के लिए है। अब उस उपदेश को मानना न मानना ये आपके ऊपर है, पर इतना निश्चित मान लीजिए कि जो कहा यदि करोगे तो सदगति होगी, और मनमाना करोगे तो दुर्गति तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं समझ में आए, लेकिन 10-20 साल बाद जब स्थिति आएगी ना, तो फिर ना इधर के बचोगे ना उधर के।